जब भाजपा के लोग नारा लगाते थे हरण मोदी गगन मोदी, हम लोग बोलते थे बी हरण मोदी गगन मोदी नहीं, बड़बर मोदी और गड़बर मोदी। तो बांका की जनता ने समझने का काम किया और उस समय भी यहाँ से आगर में जयप्रकाश जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम किया। साफ बात है, आज हमारे पिता आपके नेता आप सबके बीच हम लोगों के बीच मौजूद नहीं है, उनको साजिश का शिकार बनाया गया। शिकार इसलिए बनाया गया क्योंकि लालू जी ने जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ी, अंतिम पैदान के खड़ा जो व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया, जिसको बोली नहीं था उसको बोली देने का काम किया और आज लालू जी को सामाजिक न्याय की जो उन्होंने काम करने का काम किया, धरातल पर उतारने का काम किया। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के हमारे पंटू चाचा नरेंद्र मोदी मिलकर के क्यों भेजा गया? आज देश में आपके संविधान पे खतरा है, संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जितने पिछड़े भाई दलित भाई आप लोग सुन लीजिए, ध्यान से वोटिंग करवाइएगा और कीजिएगा। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर आरक्षण खत्म हो गया तो पिछड़ा दलित भाई का बच्चा अगला पीढ़ी को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर से जो वर्ण व्यवस्था को लागू करने का काम कर दिया जाएगा। और आप देख लीजिए SC ST एक्ट जो था, जो कानून था उसको किस प्रकार से खत्म कराने का काम किया गया, जो रोस्टर था घटी रोस्टर को लेकर लाने का काम किया। ये जो मौजूदा सरकार है ये दलित विरोधी पिछड़ा विरोधी है, सामाजिक न्याय का झंडा को उपलब्ध नहीं करना चाहती बल्कि फिर से वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहती है, इसको हम लोगों को समझना होगा। ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये केवल जयप्रकाश जी का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान का चुनाव है, बचाने का चुनाव है। इसलिए हम जा रहे हैं आप लोगों के बीच, जो धर्म और धर्म की जो लड़ाई है, जो सच और झूठ की जो लड़ाई है, जो गरीब अमीर की जो लड़ाई है, आप समझिए कि ये मोदी जी से लड़ाई नहीं है, हमारा महागठबंधन का लड़ाई नहीं, मोदी जी का लड़ाई है बनाम जनता के साथ, मोदी जी की लड़ाई है जनता के साथ। हमारे नौजवानों के ठगने का काम किया मोदी जी ने, सबसे ज्यादा अगर ठगने का काम किया तो बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। क्या कहा था मोदी जी ने पिछले चुनाव में? बोली लगाई थी बिहार की 70,000 करोड़ की, 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ की, चलो 90,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, बिहार को ठेंगा दिखाने का काम हमारी लड़ाई है। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम सब की ये लड़ाई होगी कि बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार जी हमारे पलटू चाचा, चाचा कौन है, बड़े लोगों को तो चाचा yes, और हमको तो माता पिता ने संस्कार में सिखाया कि नीतीश जी बड़े हैं या कोई भी बड़ा है आपसे उम्र में तो उसका इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन एक बात जरूर है कि वो अच्छे चाचा नहीं है। आपके जनाजे से काम करने का काम किया, बोलते हैं डबल इंजन का सरकार है, तुम मच करके विकास का गंगा बहाएंगे।
आप होते शराबबंदी है, शराबबंदी है कि चालू है, उतना रुपया कहाँ जाए तो आरसी टैक्स में जाए, आरसी टैक्स समझे, लेकिन बिगाड़ से टैक्स चलता है पार्टी फंड के लिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, माफिया से मिल करके और बिहार दारू आ जाता है बताइए, अच्छा तो माता बेचारा गरीबों के जेल भेज देता है, लेकिन ये नहीं पता चला कि आप कहाँ से रहा, कौन रॉक से रहा, वहाँ छापा नहीं डलवा रहा है, पकड़ रहा था हम आदिवासी भाई के, दलित भाई के, पिछड़ा भाई के, व्यक्ति के जेल भेज रहा गिरी भेज रहा। आप बताइए, मान लीजिए परिवार में एक आदमी चलाने वाला है जिससे पूरा घर बार चलता है, महिला है, बच्चा है, औरत है, और जेल चला गया तो क्या करेगा घर वाला लोग, भूखे मरेगा गिरी मरेगा, तो बेलो बेटा और 50,000 रुपया फाइन कर दिए, कहा से गरीब आदमी गया है, महुआ पीजे तारीख पीजे तो ले जाएगा उठा करके, भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अपराध बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार, घर के प्रमाण पत्र बनाना हो तो उसमें से घूस देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, नीतीश ऐसे हॉट हॉट मांग देता है, शिकायत निवारण केंद्र और किसान को बताइए खाद मिल रहा है, कोई पैसा नहीं, कोई अनुदान नहीं, तो क्या विकास हुआ, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, क्या हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, नीतीश कुमार का केस हुआ, 50% बिहार का सबसे बड़ा घोटाला, लेकिन अंतर आत्मा मोर्चा का एक तेजस्वी के लिए झगड़ा, अरे चाचा जी आपका आप पे हत्या का मुकदमा चल रहा है, सृजन का मुकदमा चल रहा है, और मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो हुआ है तो चाचा अंतर आत्मा जगा रहे हैं, जाइए पब्लिक में एक्सप्लेन कीजिए, जवाब दीजिए, छुट्टी साले के लिए जाकर ठंडा का समय था, बोलता कि मुंह खोलिए मुंह खोलिए, तो लोग बर्फ ले गया कि मुंह जम गया, लेकिन तब नहीं मुंह खोले, और पॉक्सो कोर्ट में बताइए जांच चल रहा है, अब तो हमको लगता है कि उनका अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरा, हम 420 आंटी 420 मूवी देखे थे, चाची 420 बचपन में, अभी चाचा 420, पहली बार आए बका, आप लोग जानते हैं 10 मिनट भैया बस बोल रहे हैं, और क्या क्या लगे, ठीक है ठीक है, 10 मिनट भैया तो फिर आते रहेंगे, तभी ना आएंगे, बात नहीं, एक बात समझिए, ये लड़ाई बहुत गंभीर है, हाँ सर लड़ाई, लाली जी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, किसान नौजवानों को न्याय दिलाना है, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करना है, अमन चैन देश में शांति बना रहे, भाईचारा बना रहे, ये इसकी लड़ाई है, बीजेपी में लड़ा करके सब लड़ाई है, जब कुछ वाला कुमार की आंखों में ना 15-15 लाख रुपया 2 करोड़ रोजगार छीन लिए, देने के बजाय है और छीन कि पकौड़ा बेचो, चलो हम पकौड़ा भी बेच देंगे, घर में तो भूखे ना सो, इसकी हम पकौड़ा बेचेंगे, डिग्री लेकर के भी पकौड़ा बेचेंगे, एमबीए का डॉक्टर का इंजीनियर का फिर भी हम पकौड़ा बेचेंगे, लेकिन पकौड़ा का दुकान लगाने के लिए मोदी जी 15-15 लाख का वादा किया था, 2-4 लाख रूपया बोली करा दीजिए, तो इतने लगाने हर साल 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचेगा तो पकौड़ा कौन खाएगा, 5 साल में 10 करोड़
पकौड़ा बनाने वाला, हर घर में पकौड़ा बनाने वाला तो बढ़िया के जाके खाई, बाहर कौन खाए यानी मार्केट में चलेगा उसका बिजनेस में चलेगा, यानी फिर कई लोग खाने का काम किया। जब रोजगार नहीं दे रहा जो वादा पूरा किया, गंगा सफाई अभियान, स्मार्ट सिटी, क्या क्या नहीं लोगों ने जुमलेबाजी करने का काम किया, क्या कि नहीं किया, झूठ बोलेंगे लोगों ने। तो क्या होता है जब पूरा वादा नहीं कर पाते तो जनता के बीच लोग क्या करने जाते हैं पता है? लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, तो मस्जिद मंदिर, कोई चर्चा हो रही है किसानों पे, कोई चर्चा हो रही है मजदूरों पे, कोई चर्चा हो रही है रोजगार से रोजगारी पे, शिक्षा को सुधारने के लिए, भारतीय को सुधारने के लिए, विकास पे चर्चा क्या हो रहा? हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर कश्मीर पत्थरबाजी यही हो रहा है। चुटकुला चलाता हम बार बार हर जगह बोलते हैं, स्वर्ग में बैठे थे राम जी सीता जी, राम जी को हिचकिया था सीता मैया को तेरे प्रभु हिचकिया आ रहा है, तो राम जी बोलते हैं लगता चुनाव पास में है, बीजेपी पास में है। आप समझे ये देश है कि देश की आजादी में सबों का खून बहा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो। ये कल को गिरिराज सिंह बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, भाईचारा की बात करने पे, शांति की बात करने पे, तो हम बताना चाहते हैं किसी के बाप का देश नहीं है।